आते हैं, हम देखते हैं जो तीर्थ स्थान है, जैसे हरिद्वार में चले जाइएगा, गंगा किनारे रात को 2 बजे के पश्चात ऐसे संत महापुरुष आते हैं जो ध्यान में बैठते हैं, परंतु 4 बजे तक वे वापस अपने अपनी कुटियाओं में चले जाते हैं, जिन कंदराओं में हैं वहां चले जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म समाधि में इस कदर उसमें लय हुए हैं, उनको संसारिक सुख संसारिक ये इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रहती। जो इस समाधि में ब्रह्म समाधि में मगन हो जाता है वह राग द्वेष ये इन सब से वह बहुत आगे निकल चलता है, उसको इससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। मंदलासा के लिए गुरु महाराज ने कहा उसके ये शुभ भाव थे, करना पर उपकार, नाम ध्यान धन दान से देना पर कोतार, हरि मार्ग में निपुण थी रक्ति ज्ञान विशेष, मानी जाती जगत में रहत ही कर्म क्लेश, कर्म सभी कर रही हैं परंतु पूर्ण समर्पण निपुण हरि मार्ग पर कर्म योग में भी है और प्रेम भक्ति में भी है, ऐसे जो जन हुआ करते हैं ऐसी साधना पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज की थी, कर्म योग में भी है और प्रेम भक्ति में भी है, कोई चिंता नहीं रहती कौन क्या कहेगा, जो ठीक है उसको कहने में कभी संकोच नहीं करते। 9 उसका ज्ञान था। अब यहां पर जो ज्ञान में अधूरे होते हैं, ज्ञान में अधूरे उनका रहता है कि जहां आप आसन पर बैठे हैं माला नीचे लग गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बस वह इस अज्ञान में ही लगे रहते हैं। जो जोड़ के रखना है उस ब्रह्म समाधि में तो वह कोसों दूर हुआ करते हैं। जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वह स्वच्छ रखा हुआ है आपने, आत्मा परमात्मा उसी देह में है, उसी देह को आपने उस आसन पर रखा हुआ है, माला हाथ में है, अगर माला उस आसन को स्पर्श कर गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया। जो अज्ञानी होगा इस पर संकुचित हृदय वाला नुक्ताचीनी करेगा, जिसका उन्नत ज्ञान होगा, उन्नत उसका ज्ञान था आत्म तत्व विवेक, उसका विवेक आत्मा परमात्मा के साथ मिल रहा है, उस ओर उसका विचार होगा, उसका पूजन आंतरिक अवस्था में परमेश्वर को पूजती जो है ज्ञाता एक, सब कुछ जानने वाला, वह हृदय के भीतर को जानता है। हृदय को तो गंदा रखा हुआ है और माला को बचा के रखने का प्रयत्न कर रहा है, यह दिखावे की भक्ति हुआ करती है। मंदलासा देश देशांतर को जाया करते, वीतराग थी। अब इस प्रकार उसकी भक्ति, राजा की पत्नी है मंदलासा, पुराने ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए हैं वे बड़े बड़े धरनीपति हुए हैं, धरती के
मालिक हुए हैं, राजपाट करने वाले, सेना रखने वाले, प्रजा को चलाने वाले, परंतु ये सब कर्म योग के अंतर्गत रह के करने वाले कि जो कार्य परमेश्वर ने मेरे को सौंपा है उसी में एक है अपनी आत्मा का उद्धार करना, लीनता की लय अवस्था में जाकर उस परमात्मा की आराधन करना और उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करना। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कदी कदा नहीं सताती। ऐसे भाव रखकर राजा की धर्म पत्नी है, परिवार में रहती है, संतान की प्राप्ति है, शूरवीर पुत्रों की माता है, परंतु मां ने वह रस चख चुकी है। प्रेम भक्ति कर्म योग में रहते हुए ब्रह्म समाधि में लीन होके ब्रह्म में विचर रही है, जो सुख की प्राप्ति स्वयं की है वही अपनी संतान को प्रदान कर रही है और शिक्षा दे रही है अपने पुत्रों को। उसने इसी मार्ग पर लगा दिया, बाल अवस्था से वह पुत्र भी मंदलासा के। इस भक्ति में कर्म योग और प्रेम भक्ति में मां स्वरूप ब्रह्म समाधि में निमगन। अब उन्नत ज्ञान होने से जो गुण परमेश्वर ने उसकी कृपा से प्राप्त हो गए इसको बांटना, सत्संग लगाना, लोगों को प्रेरणा देना, देश देशांतर में जाकर इसका प्रचार करना, जो कार्य स्वयं करती उसी कार्य के लिए अपने पुत्रों को लगा दिया। अब राजा की धर्मपत्नी है, राजा ने देखा कि मेरे सभी पुत्र इसी धर्म मार्ग में ब्रह्म समाधि में ध्यान में लीनता की लय अवस्था में रहते हुए स्वयं अपना उद्धार किए हुए हैं और लोगों के उद्धार के लिए इस ज्ञान को बांटने में देश देशांतर में पत्नी भी लगी हुई है, पुत्र भी लगे हुए हैं। अब राजा है, राजपाट चला रहे हैं, मन में व्याकुलता हुई कि राजपाट कौन संभालेगा, राज्य को कौन संभालेगा। बड़े ही आदरपूर्वक अपनी धर्मपत्नी मंदलासा के पास आए। गुरु महाराज ने वर्णन किया, सबसे लघु सुत जो था प्यारा, राज काज का एक सहारा। नृप ने कहा, सुनो सूरानी, इसको बनाना नहीं ध्यानी। हे रानी, हे मंदलासा, हे देवी, जो अपना सबसे छोटा पुत्र है मुझे बहुत प्यारा है, राजकाज भी करना है, अब मैं वृद्ध अवस्था को जा रहा हूं, इस राजपाट को कौन संभालेगा। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, इसको इस मार्ग पर चलाकर यूं ध्यानी नहीं बना देना कि ये लीनता की लय अवस्था में ही लगा रहे और राजपाट ना करे, ये इसको ना संभाले। मेरी इच्छा है राज कर्म का हो अनुरागी, बाकियों का अनुराग उस ब्रह्म में है, उसमें रमन कर रहे हैं। ये सबसे छोटा पुत्र, ये राजकर्म राजपाठ जो है, इसके जो कर्म कलाप है,
इसकी देखरेख है, इसका अनुरागी हो, इससे इसको प्रीति हो, बाकी तो विरक्त है, बाकी तो राजपाट से उनको कोई लेना देना नहीं। वह तो धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, अपने ध्यान में लगे हुए हैं और उसी कार्य में प्रेम भक्ति में रहते हुए लगे हुए हैं। परंतु मैं चाहता हूं कि इसको प्रीति हो इस कार्य को चलाने के लिए, राजपाट चलाने के लिए, इससे इसका अनुराग हो। ग्रह में रहे यह बड़ भागी, यह घर में रहे, यह साधना में इधर उधर देश विदेश ना जावे, प्रचार के लिए ना जावे, राजपाट को बड़े उसका अनुरागी बनकर इसका बना रहे। पति का कहना उसने माना, पति ने आकर जो कहा मंदलासा ने उसका कहना तुरंत मान लिया। अपने छोटे पुत्र को उसे दिया ना त्याग का वाना, जो त्याग का पाठ और सन्यास का सन्यास दीक्षा जो मां अपने बड़े पुत्रों को दे चुकी थी, अब इसको ना देने का निर्णय कर दिया। अंत समय रानी का आया, मंदलासा रानी है, अब अंत समय आ गया। उसने सुत को पास बुलाया, जो सबसे छोटा पुत्र है, जिसको त्याग का बाना नहीं दिया, पति के आदेश का पालन किया कि तू राजपाट संभालना है, इसमें तूने अपना निपुणता दिखानी है। परंतु जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह भविष्य को देख लिया करता है, वह जान जाया करता है कि आने वाले समय में इस मार्ग पर क्या क्या कठिनाई होगी, क्या बाधा हो गया और क्या विघ्न होंगे। ब्रह्म समाधि में निपुण भविष्य को जान लिया करता है।